हम तरह तरह की मुठियों की रेसिपी बनाकर खाते हैं, जैसे कि जो दूधी है यानी कि जो लौकी है उसकी हम मुठियाँ बनाते हैं, कई बार हम मेथी के मुठियाँ बनाते हैं। लेकिन आज जिस मुठिये की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, इसे हम गुजरात में कहते हैं सील, और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उसमें इसे कहते हैं भतुआ। तो आज मैं इसी के मुठिये की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्षिदा और आप सभी का मेरे चैनल कुक विद हर्षिदा पर स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो तो शुरू करते हैं आज इस सील के मुठिये की रेसिपी, या फिर आप कह सकते हैं भतुए की मुठिये की रेसिपी। गुजरात में है तो हम इसे सीलिया कहते हैं। तो बिना समय गवाए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़े बर्तन में बाजरी का आटा। तो ये जो है बाजरी का आटा लगभग मैंने दो बड़े कप लिया है। इसी में मैंने जो गेहूं का करकरा आटा है वो दो बड़े चम्मच और दो बड़े चम्मच बेसन ऐड किया है। तो इन तीन आटों का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में स्वाद अनुसार हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे और इसके बाद हम जो धनिया जीरे का पाउडर है वो भी लगभग एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है। साथ में जो स्वाद अनुसार जो लाल मिर्च है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधी चम्मच जो हल्दी पाउडर है वो। अब जो सील है यानी जो भतुआ है उसे मैंने अच्छे से वॉश करके उबाल लिया था। ये देखिए जिस तरह से मैंने पालक की जो प्योरी बनाई थी, जो मैंने आपको उबालते हुए दिखाया था, बस उसी तरह से ये मैंने किया है। मैंने वो वीडियो आपको नहीं दिखाया, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो हमने इसमें ये इसको ऐड किया है। अब लगभग दो बड़े चम्मच हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करके हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही अब मैं इसमें क्या करूँगी, लगभग आधा जो नींबू है उसका मैं जूस इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए इससे जो मुठिया है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ा सा खट्टा मीठा आएगा। मिक्स करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा बर्तन है वो काफ़ी छोटा लग रहा है, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बड़े से बर्तन में और फिर इसे मिक्स करूँगी। तो ये मुठिया बनाने में मुझको मेरी सासू माँ हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन मेरी सास से पूछ के बना रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये भी मैंने लगभग दो बड़े चम्मच जितना ही लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बांधने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये सिर्फ जो हमने जो पत्ते जो बॉईल किए थे उसी से ये आटा फटाफट से बंध कर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह से इसके इसको डिवाइड कर देना है अलग अलग बॉल्स में। ये देखिए मैं कर रही हूँ। तो लगभग इस पूरे आटे का पूरे आटे को मैंने लगभग चार से पांच बॉल्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसे आपको बहुत ही रफली करना है, मतलब जिस तरह से हम रोटी का आटा बांधते हैं उस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बस इसे थोड़ा सा रफली ही करना है। ये देखिए बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको फिर बताऊँगी। तो ये एक हम बॉल है, इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने इसे डिवाइड कर लिया है। अब एक पोर्शन में से मैं कुछ इस तरह से एक रोटी जितना आटा लूँगी और इस तरह से दोनों हाथों से गोल गोल करती जाऊँगी। तो इस काम में मुझे मेरी सासू माँ भी हेल्प करने वाले हैं। ये देखिए क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है तो मम्मी भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए वो हमें कुछ इसे इस तरह से लंबा करना है। और ये एक मैंने थाली में इसे रखा है जिसमें जब हम स्टीम करते हैं तो जिस थाली का इस्तेमाल करते हैं जिसमें छेद होते हैं, तो बस उसी तरह से हम बनाते जाएंगे और इसे एडजस्ट करते जाएंगे इस थाली में। तो मैंने पहले एक लेयर लगा दी है और उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दी है और पहले से ही हमने पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब इस एकदम उबलते हुए पानी में हम इस जो थाली है उसको रख देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। 20 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए हम इसे चाकू की मदद से प्रिक करेंगे। अगर आपका चाकू बिना चिपके बाहर निकल आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सील है वो हो चुकी है। तो जैसे ही सील हमारी ठंडी हो जाती है हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसे गोल गोल इस तरह से कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जितने भी मुठिये हैं इसको काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम रख देंगे गैस पे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच भरकर तेल। तेल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए दोस्तों, तभी हमारा जो मुठिया है उसमें अच्छे से स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे राई। तो हम पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो जाए। आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो तेल है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच राई और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल यूज़ किया है दोस्तों। तो जैसे ही हमारा जो राई और सफ़ेद तिल है ये क्रैकल होना शुरू हो जाए हम इसमें लगभग 1/2 टीस्पून जितना हींग ऐड करेंगे और हींग ऐड कर हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो मुठिये जो काट के रखे हैं वो। तो हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो चुकी हैं तो हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे मुठिये। तो ये देखिए मैंने इसमें मुठिये ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम लगभग आधा जो नींबू है वो ऊपर से निचोड़ेंगे और इसमें अगर आपको लगता है अगर आपको खट्टा मीठा स्वाद चाहिए तो आप इसी में ऊपर से थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे जो मुठिये हैं वो बहुत ही फटाफट से बनके एकदम रेडी हो गए हैं। और सर्दियों के मौसम में जो बाजरी का आटा है, बाजरी के जो मुठिये हैं सील के साथ, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो फटाफट से बनाएं ये सील के मुठिये और एंजॉय करिए इस सर्दी के मौसम में। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।